Hello everyone, I am Pragya Pandey. Welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. And this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions. So, let's see their solution first. And the first question was, which of the following is or are member countries of organization of petroleum exporting countries, which is also known as OPEC? And correct answer is Algeria and Nigeria. So, without wasting any time, let's see what is in the news. so this article becomes very important for gs paper number 2 ir chaliye samajh चलिए समझ लेते हैं क्या हो रहा है इसमें देखिए बात की जा रही है countries ke bare के बारे में countries aap dekhenge आप देखेंगे तो लगातार hai में है क्योंकि अगर आप position की to देखें तो the part of it and we have so many सो मैनी नेबर्स लाइक पाकिस्तान आप देख लेंगे नेपाल आप देख लेंगे भूटान आप देख लेंगे तो यू विल फाइंड एनी नंबर ऑफ नेबर्स ऑल्सो दियर एंड ऑल्सो वैन इट कम्स टू साउथ एशियन कंट्रीज आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोइंग कंट्रीज़ के रूप में आपको दिखाई देंगी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दी साउथ एशिया आप देखेंगे तो आपको कुछ सर्टीन प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी साउथ एशियन कंट्रीज में दिखाई देंगी सबसे पहले आ जाएगा वोलेटिलिटी uh, रीज़न यहाँ पर क्या आप देखेंगे वॉर हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं डिजास्टर देखने मिलेंगे वेदर यू टॉक अबाउट दी आप देख लीजिए पाकिस्तान को देख लीजिए आप uh, बांग्लादेश को देख लीजिए आप म्यांमार को देख लीजिए सो यू विल फाइंड कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल इन इनस्टेबिलिटी बनी हुई है नथिंग इज़ पर्मनेंट इसके बाद ही एक और सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल जाएगी विच वॉज द कोविड नाइन्टीन अकेले कोविड नाइन्टीन ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ uh, लोगों को यहाँ पर ढकेल दिया पोवर्टी की तरफ इसी के अलावा आप देखेंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस भी आपको साउथ एशियन कंट्रीज में देखने को मिलेगा एक तरफ सबसे प्रेजेंट डे का एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है श्रीलंका जो कि बैंक रपसी की डेट पर है आईएमएफ से बेल आउट लोन लेना पड़ रहा है सेम गोज विद पाकिस्तान जो भी सेम कंडीशन में बना हुआ है वहीं एक और अगर हम साउथ एशिया की कंडीशन की बात करें तो डेवलपमेंट आपको कहीं खोती हुई सी नजर आएगी बिकॉज ऑफ ऑल दिस टर्म ऑयल ऑल दिस पॉलिटिकल उठापटक एन एवरी थिंग यू विल फाइंड वन थिंग कि जो तो डेवलपमेंट है वो कही न, कहीं ना कहीं स्टेग्नेट हो गई है अलॉन्ग विद डैट साउथ एशिया को आज की डेट में अगर हम बोलें तो एक बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है साउथ एशियन कंट्रीज को कि वो एक अर्जेंट कॉल करें यहाँ पर एक पॉलिसी बनाए और उनका मेन उद्देश्य जो होना चाहिए वो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना होना चाहिए रादर देन जस्ट फाइटिंग बिकॉज साउथ एशियन कंट्री वर्ल्ड की अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर शेयर करते हैं वर्ल्ड जीडीपी का रिजल्टेड इन टू यहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बहुत ज़्यादा मज़बूती देने की बात की जा रही है इस आर्टिकल में नाउ सी वॉट हैपन जब आप साउथ एशियन रीजन की बात करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर दी साउथ एशियन कंट्रीज कि एक डेटा के हिसाब से आप समझिए कि एक लाख लोग लगभग यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे मिलियन ओवर वन मिलियन यंग पीपल दे सेट टू एंटर द लेबर फोर्स एवरी मंथ अंटिल ट्वेंटी थर्टी व्हाट वॉट विल हैपन अगर इतना सारा जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है ह्यूमन रिसोर्स है वो लेबर फोर्स में एंटर हो जाएगा देन वॉट विल हैपन सी अगर एक व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं है अगर उनको खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है उनके देश में डिस्टर्बेंस आपको देखने मिल रहा है देन हाउ यू कैन इवन इमेजिन कि ऐसे व्यक्ति ऐसे बच्चे जो ऐसी यंग जनरेशन है वो कहीं पर भी डेवलप कर पाएंगे नहीं हो पाएगा यही होता है अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे जो इस टाइम पीरियड में आप साउथ एशियन नेशंस को देखिए जो यहाँ पर पैदा भी होते हैं उनके कंडीशन देखिए या तो वो स्टॉन्ट हो जाते हैं ठीक है या तो उनको कोई ना कोई बीमारी यहाँ पर घेर लेती है रिजल्टेड इन टू वॉट कि इनका जो पोटेंशियल है उसको ये अचीव ही नहीं कर पाते हैं सो दिस इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन कैपिटल टू द ह्यूमन कैपिटल की भाई क्या करना है साउथ एशियन कंट्रीज़ को अगर अपनी जीडीपी सुधारनी है और अपनी इनकम को डबल करना है और एक डेवलपिंग की कैटेगरी में यहाँ पर आना है तो देखिए इतनी बड़ी जो यंग पॉपुलेशन का वरदान आपको मिला है आपको उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए वहीं देखिए अगर आप हम वर्ल्ड इकोनॉमी से यहाँ पर कंपेयर करें विश्व इकोनॉमी से आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आप एक और यहाँ पे चीज़ पाएंगे कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं गवर्नमेंट है वो अपने पूरे जीडीपी का अपने पूरी इनकम का मुश्किल से एक प्रतिशत भाग जो है वो हेल्थ पर खर्च करती हैं और उसका भी मुश्किल से दो दशमलव पाँच परसेंट या टू पॉइंट फाइव परसेंट एजुकेशन पर खर्च करती हैं वहीं अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो विच इज़ फाइव पॉइंट नाइन परसेंट ऑन दी हेल्थ एंड थ्री पॉइंट सेवन परसेंट ऑन द एजुकेशन सो दिस इज वी ऑल शुड वॉक अपॉन क्योंकि कोविड नाइन्टीन ने जो साउथ एशियन कंट्रीज और यहाँ के लोग हैं उनकी कंडीशन ख़राब कर दी अप्रॉक्स थर्टी फाइव मिलियन पीपल यू विल फाउंड इन द साउथ एशियन कंट्री दे वेंट अंडर द एक्सट्रीम पोवर्टी ड्यूरिंग दिस कोविड नाइन्टीन थिंग सो नाउ क्या इंटरवेंशन यहाँ पर करने की ज़रूरत है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हमें डेटा और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करना है ओके okay, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको देखने मिलेंगे जो कि दे आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल दे आर वर्किंग सो वॉट यू कैन डू आप उन्हें एक वर्क फोर्स यहाँ पर एक तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं कंट्री कि किसी भी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में वॉट दे कैन डू दे कैन प्रोवाइड द एजुकेशन टू दैम ऑल्सो ऐसा इंश्योर करना भी ज़रूरी है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ स्कीम्स में बनकर ना रह जाएं, बल्कि उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हमें साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखने के लिए मिले लास्टली अगर हम बात करें तो हमें जो डेटा टेक्नोलॉजी आपके पास है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्योंकि देखिए किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की आप बात करें तो आप बिना हेल्थ और एजुकेशन के बाद नहीं कर सकते जिसमें भी सबसे ज्यादा फोकस आपको हेल्थ पे देना होगा बिकॉज इफ अ पर्सन हेल्थ इज नॉट गुड इज नॉट इन द फेवरेबल कंडीशन दे विल डेफिनेटली कैन नॉट गेट दी एजुकेशन एंड इफ दे कैन नॉट गेट दी एजुकेशन यू विल सी लेसर इन दर्क फोर्स एंड लेसर इन दी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ओके सो आई होप दिस इंटायर आर्टिकल इज टोटली क्लियर टू चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ चलिए तो आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज है जो आप देख पा रहे हैं और ये इमेज ली गई है एक यहाँ पर फेस्टिवल होता है एस्टमोडाई लेक के पास विच नेम विचनीमस इडुपू कुथीरा ठीक है एक फेमस फेस्टिवल है जो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है लेकिन आपके लिए जानना क्या जरूरी है जी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अष्टमुडी लेक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो देखिए अष्टमुडी लेक या अष्टमुडी क्याल की हम बात करें तो ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में सिचुएटेड है ये एक बहुत ही यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम बनाता है जिसमें आपको लार्ज पाम शेप्ड वाटर बॉडी इसकी पूरी दिखाई देगी आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा पाम का शेप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा वही अगर हम इसके नाम की बात करें अष्टमुडी जिसका मतलब होता है एट ब्रेड्स इन दी लोकल मलयालम लैंग्वेज सो तो ये नेम इंडिकेट करता है ऑफ द लेक स्टोपोग्राफी विच हैज मल्टीपल ब्रांचेस समथिंग लाइक दिस ठीक है सो बाय दिस द एट ब्रेड्स मलयालम लैंग्वेज के हिसाब से यहां पर इसका नाम हमें देखने के लिए मिलेगा वहीं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इस लेक को गेट वे टू द बैक वाटर ऑफ केरला भी बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ठीक है आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि विच लेक ज नोन एज द गेट वे टू द बैक वॉटर ऑफ केरला सो आंसर विल बी द अष्टमुडी डेक साथ ही ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपनी हाउस बोट्स के लिए और बैक वॉटर रिजॉर्ट के लिए वही अष्टमुडी की हम बात करें तो ये इसका वेटलैंड है दैट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दैट इज डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन फॉर दंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाईजेशन ऑफ दैटलैंड चलिए सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल अगेन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मीन्स देखिए सेलिब्रेट करा जा रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एवरी ईयर ऑन थर्ड ऑफ मार्च यूनाइटेड नेशन एंड इट्स मेम्बर्स ऑब्जर्व थर्ड मार्च एज दर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस साल की थीम क्या रखी गई है इट इज़ दी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑनिंग द पीपल हु आर मेकिंग द डिफरेंस तो दिस इज समथिंग फर्स्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि यहाँ से आपको सवाल हमेशा देखने के लिए मिलते हैं चलिए बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ डे के बारे में तो देखिए ये एक यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे है टू सेलिब्रेट ऑल द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स एंड द कंट्रीब्यूशन दैट टू आवर लाइव्स एंड हेल्थ ऑफ द प्लानट और हर साल इसी की वजह से थर्ड मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लाइफ डे डेट बेसिकली इट ऑफ साइट्स ठीक है आपको याद होगा हम बात कर रहे हैं साइट्स के बारे में तो इस साल ये जो डेट है सो वर्ल्ड लाइफ डे ट्वेंटी ट्वेंटी सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस कि ये एग्जाम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा तो साइट्स के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं जो कि एक कन्वेंशन था ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना जिसको साइन किया गया था 1973 में ठीक है चलिए तो अब इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं साइट्स के बारे में तो साइट्स स्टैंड करता है देखिए द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्रोना ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है बिटवीन ऑल दी सिग्नेटरी गवर्नमेंट्स इसका एम है ये इंश्योर करना कि किसी भी तरीके के इंटरनेशनल ट्रेड में इन uh, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं प्लांट हैं जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में है सर्वाइविंग की कंडीशन जिनकी ख़राब है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने मिले सो इट बेसिकली ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन विच वॉज अडोप्टिड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ आई जो कि वर्ल्ड कन्वेंशन था यूनाइट uh, था और एंटर किया गया था इसको फोर्स में लाया गया था बाय दी जुलाई 1975 सेवेंटी फाइव ऑल दो साइड्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे हैव टू इंप्लीमेंट द कन्वेंशन इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लेवल हालांकि साइट्स का जो सेक्रेट्रिएट है अगर आप बात करेंगे जिससे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आपको बनने के लिए देखे जा सकते हैं इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यू और ये लोकेटेड है आज की डेट में जिनेवा स्विट्जरलैंड में वहीं आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द साइड्स दे आर द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन एंड कंप्राइज ऑल इट्स पार्टीज ठीक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिहाज से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है चलिए तो ये नेक्स्ट आर्टिकल की इम्पोर्टेंस हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाएगी देखिए जीएस पेपर टू की जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे तो ये आर्टिकल अपने आप में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल बन के हमारे सामने आता है कारण क्यों जी ऐसा देखिए इस आर्टिकल में जो बताया जा रहा है वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया का आज की डेट तक स्टैंड क्या था और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए तो चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए देख लेते हैं कि हमारे राइटर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए उन्होंने बोला जब आपको याद हो कि रशिया इन्वेजन यूक्रेन की आ, को याद करते हुए ठीक है ट्वेंटी थ्री फरवरी वो डेट हो जाती है जो एक साल इसके लिए कंप्लीट कर देती है अगर हम इस डेट को याद करते हुए इस बारे में बात करें तो आपको याद होगा जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई तो इन्होंने एक रिजोल्यूशन यहाँ पर अडॉप्ट किया और ये बात की गई कि भाई नाउ दिस इज़ अ टाइम कि हमें जो वॉर है उसको एंड कर देना चाहिए बट दैट रेजोल्यूशन बेसिकली इट वॉज अपोज बाई सेवन कंट्रीज आउट ऑफ वन फोर्टी वन अलॉन्ग विद दैट देयर वर थर्टी टू स्टेट्स हुआर एबसेंट फ्राम वोटिंग एंड यू मस्ट बी रिमेम्बर एंड इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट एट तो आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि इंडिया वॉज अमंग वन ऑफ दो थर्टी टू कंट्रीज अमंग वन फोटी वन जो इस वोटिंग से यहाँ पर एबसेंट रहा ठीक है इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम क्या नहीं करेंगे वेस्ट जिस भी तरीके का लगा रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है हालांकि इंडिया ने एक और चीज़ यहाँ पर रिफ्यूज़ करी थी इन्होंने रशिया को कंडेम करने से डायरेक्टली किसी भी तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हमें नहीं दिया रिजल्टेड इन टू वॉट बहुत सारे लोगों ने इंडिया के इस कदम की तारीफ करी और इंडिया का बहुत क्लियर स्टेटमेंट था कि नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग कि हमेशा हमेशा वेस्ट का जो इशू है वो सबका इशू होना चाहिए नाउ दिस इज़ अ टाइम कि इंडिया शुड स्टैंड फॉर इट सेल्फ इंडिया शुड थिंक अबाउट इट अब देख लीजिए पहली बात किसके बारे में की जा रही है बोल रहे हैं डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी देखिए जब आप यूएस कंट्रीज की बात करते हैं या वेस्टर्न नेशंस की बात करते हैं तो यू विल फाइंड वन थिंग दैट देआर आर डेमोक्रेसी सो व्हेन ऑल दिस क्स वर गोइंग ऑन तो यहां पर इंडिया के ऊपर सबसे ऊपर क्वेश्चन आया कि व्हाई इंडिया इज नॉट कंडेमिंग बट इंडिया ने बहुत सेफ प्ले किया और इंडिया ने बोला ठीक है ना हम यूक्रेन के साथ हैं ना ही हम रशिया के साथ हैं ना ही हम फ्रंट फुट पर आकर किसी के बारे में गलत बोलेंगे रीजन बिहाइंड इंडिया को वो पूरा टाइम याद है जहां पर रशिया ने इंडिया का साथ दिया था ठीक है सो इंडिया का जो स्टेप यहां पर रहा वो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा फ्रेंडशिप अलाइज भी देखने के लिए मिलेगा वह इंडिया को एक और चीज याद रही कि वेन एनी इंटरनेशनल सिचुएशन अराइजेज़ रशिया यूनाइटेड नेशन में हमेशा इंडिया को बैक करता है वहीं अगर आप यूएस को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे टाइम हैं जब रशिया इंडिया के अपोज़ गया है चाहे हम थ्री सेवेंटी की बात कर लें चाहे हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे को देख लें तो देखिए जब यूरोप की बात की जाती है जब वेस्टर्न नेशंस की बात की जाती है यू की बात की जाती है तो इनका मानना ये है कि भाई जिस तरीके से डेमोक्रेसी वेस्टर्न में चल रही है वैसे ईस्टर्न नेशंस में आपको साउथ एशियन रीजन्स में क्यों नहीं देखने के लिए मिलती बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट अब देखिए एक बहुत बड़ा डर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि भाई ठीक है जितनी भी कंट्रीज है, हैं वो सोशलिस्ट कंट्री बन रही है लेकिन क्या ये सही है देखिए डिसइंटीग्रेशन के बाद जैसे ही रशिया का डिसइंटीग्रेशन आपको देखने मिला आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जो समाजवाद की तरफ चली गई थी वो वापस कैपिटलिज्म की तरफ आ गई सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ उनका मूव देखने के लिए मिल गया सो यहाँ पर किसी भी तरीके से जो इस तरीके की बात यहाँ पे समझ आती है कि नहीं इट इज़ अ वॉर बिटवीन डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी जैसी कोई सिचुएशन है रादर ये कंट्री का अपना स्टैंड है कि उसने क्या डिसीजन लिया और एक डेमोक्रेसी होते हुए इंडिया पे ये सवाल उठाया जा रहा था कि वाई इट इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग सो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया का कोई स्टैंड नहीं देखने मिलेगा क्योंकि इंडिया रिमेंबर्स कि कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ हमें देखने के लिए मिलेगी सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो आपको इस तरीके की कोई सिचुएशन देखने मिली नेक्स्ट बात की जा रही है मोरालिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट देखिए आर्टिकल बोल रहा है कि ठीक है मान लेते हैं चलिए कि ये डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की लड़ाई नहीं है बट यहाँ पर कोई भी डाउट हमें नहीं है कि हेयर आर हैज़ वायलेंट एंड सोबर्निटी ऑफ यूक्रेन and russia's annexation over ukraine territory is a clear-cut demarcation and violation of the international law. so how can uh, countries like india are not uh, like supporting this initiative of united nations general assembly? तो उसका सबसे बड़ा सवाल और आंसर यहाँ पर यह आ जाता है कि जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सुवर्निटी को लेकर बात हुई है इंडिया के जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया है इंडिया ने हमेशा एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है इंडिया हमेशा बोलता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं ठीक है उनका क्या होना चाहिए दे दैट ऑल द कंट्री शुड बी रिस्पेक्टेड ठीक है उनकी जो सवर्णिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन है वो सारी कंट्रीज के जो यूनाइटेड नेशन और जो वेस्टर्न नेशन है उनको यहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए ठीक है रादर देन पुटिंग देयर नोज इन टू द मैटर ऑफ एवरी वन दे शुड रिस्पेक्ट कि ठीक है ये इनकी इंटीग्रिटी की बात है ये इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है ये इनकी सवर्णिटी की यहाँ पर बात है और इसी को बड़े अच्छे से क्रिटिसाइज़ करते हुए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया गया 2003 का जहां यूएस ने क्या करा था लॉन्च किया था एक इलीगल इन्वेशन ऑफ इराक दैट वायलेट्स द कंट्री सवर्निटी इन 2011 थाउजेंड इलेवन द नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अ यूनाइटेड नेशन सेक्री काउंसिल रेजोल्यूशन टू इन्वेशन सो यहाँ पर जब भी बात की जा रही है तो दिस इज समथिंग वॉट इंडिया ऑलवेज हाईलाइट कि नो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपको यहाँ पर कुछ ए, अननेसेसरी यहाँ पर पोक करना चाहिए और चलिए ये सब भी छोड़ देते हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसराइल का अब देखिए इसराइल सीरिया गोलन हाइट्स यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर एक इलीगल एनेक्सेशन uh, दिखेगा आपको जेरूसलम का जो जूस का सेटलमेंट माना जाता है अब देखिए यूएस क्या कर रहा है यहाँ पर दे हैज रिकॉग्नाइज्ड यू इसराइल्स दिस इलीगल एनेक्सेशन of the Golan Pass and now what they are doing they are moving their even embassies to the jerusalem so this is something that is very very crucial last yahan यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई what's new न्यू और न्यू डेली यहाँ पर क्या चाहता है मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमारा मंत्रालय और हमारे देश का स्टैंड यहाँ पर क्या है देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया को देखेंगे तो आप आज की डेट में इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है क्रूड ऑयल को लेकर रशिया ने बहुत ही ज़्यादा कम नामों पर इंडिया को अपनी इंडिया को क्रूड ऑयल बेचे क्यों क्योंकि रशिया को मनी की आवश्यकता थी बाकी सारी जगह से उसके ऊपर सेंक्शन लगे हुए थे रिजल्टेड इन टू वॉट इंडिया को बहुत सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल गया ओके परफेक्टली फाइन इंडिया की जो 80 परसेंट फ्यूल नीड्स थी वो उसकी इम्पोर्ट पर ही डिपेंड करती है और एनर्जी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल थिंग है जो इंडिया को फुलफ़िल करना ही होता है वहीं अगर हम बात करें डिफेंस की तो जितनी भी डिफेंस सप्लाईज़ आप देखेंगे तो रशिया पूरी डिफेंस सप्लाईज़ का लगभग 46 परसेंट इंडिया का यहाँ पर फुलफिल करता है ठीक है वहीं अगर हम बात करें तो जब भी ऐसा कोई स्टैंड आया है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है यू में कि जहां इंडिया को अपोज़ किया जा रहा हो जहां चाइना हमेशा ब्लॉक कर रहा हो इंडिया की बात को वहां हमेशा रशिया ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है रशिया ने अपने वीटो पावर का यहाँ पर इंडिया के लिए यूज़ किया है सो दिस इज़ समथिंग नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि इंडिया का जो स्टैंड है इट इज़ नाउ लाइज विद इट्स ओन इंटरेस्ट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और बात की जा रही है श्रीलंका की इकोनॉमिक क्रैश के बारे में देखिए आपको पता होगा अभी हाल ही में श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरीके से यहाँ पर डिवास्टेटेड हो चुकी है जिसकी वजह से आपको तीन इंपॉर्टेंट uh, शब्द जो हर कोई गाता हुआ दिखाई देगा वो यहाँ पे देखने मिलेंगे विच इज दई आईएमएफ। देखिए आईएमएफ से एक लोन लिया जाता है जिसको आई का बेल आउट लोन बोलते हैं कारण क्या जब आईएमएफ इस तरीके का बेल आउट लोन किसी भी कंट्री को देता है तो वो एक नई स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्लान करता है और वो देखता है कि भाई पैसा जो आईएमएफ दे रहा है उसका खर्च कहाँ किया जा रहा है क्या यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और अगर इनको लगता है कि भाई जिस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है दैट इज नॉट फ्रूटफुल देन आई एम एफ ऑल्सो इन ऑल दिस सिचुएशन ठीक है तो अब इस टाइम अगर हम बात करें तो जो कंडीशन कोविड नाइन्टीन के बाद से रशिया की सॉरी श्रीलंका की यहाँ पर ख़राब हुई आप देखेंगे तो पूरी श्रीलंकन इकनॉमी यहाँ पर माइनस में चली गई उसके बाद भी आप देखिए तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हुई जहाँ पे इलेक्शन अब कंट्री में नहीं हो पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं हैं लेकिन अभी के टाइम पर जो ऑनगोइंग आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है वो श्रीलंका की मदद कर रहा है कि वो कहीं कही ना कहीं अपनी क्रेडिट वर्थ जो है जो उसकी ग्लोबल पोजीशन हमेशा से रही है वो इसको वापस से डेवलप कर पाए कैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे बायोलैट्रल पार्टनरशिप किए जा रहे हैं प्राइवेट क्रेडिटर्स को बुलाया जा रहा है जो बैंक या डिफ़ल्टेड अकाउंट हैं उनको यहाँ पर क्लियर करने की बात की जा रही है और धीरे धीरे जो श्रीलंका की इकोनॉमी है उसे क्लीन करने की बात कर रहे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई जो करप्शन है उसको यहाँ पर टैकल करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीलंका के पूरे तबाह होने में एक लौता रीजन अकेला कोविड नाइन्टीन नहीं था वहाँ पे करप्ट करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉट आई एम एफ इज फोकस ऑन आई एम एफ का जो पूरा एम्फेसिस है अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो दैट इज ऑन कंट्रोलिंग दी करप्शन ठीक है बात कर रहे हैं कि प, पीपल वेलफेयर प्रोग्राम चलाने के बहाने जो बहुत सारा अमाउंट है जिसका गबन कर लिया जाता है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए रातर जितना अमाउंट है जो लोगों के लिए है लोगों की बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए उसका यूज़ भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने के लिए मिलना चाहिए एंड आई एम एफ इस मेकिंग श्योर कि यही सारी चीज़ें

प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं दे आर नॉट इवन एक्सेसिबल टू द लाइक जो बेसिक मील्स होते हैं एग्स फिश मीट की बात करें वो बिल्कुल लोगों की पहुँच से बाहर हो चुका है न्यूट्रीशन लेवल की अगर आप बात करेंगे तो वो श्रीलंका में 50 प्रतिशत तक गिर चुका है सो so नाव जो अगर हम बात करें तो श्रीलंका में इसके पहले एक हंगर क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाए वॉट आई एम एफ इज़ थिंकिंग कि एक ऐसा प्रोग्राम किक ऑफ करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रीलंकन्स हैं वो यहाँ इस समय पर एट लीस्ट दे कुड हैव अ गुड टाइम ऑफ मील लीस्ट टू टाइम्स ऑफ अ मील इन अ डे सो दिस इज़ समथिंग दिस आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउ अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स चलिए आगे बात करते हैं इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेंगे और डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपके प्री में यहाँ से आ सकता है चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण उड़ीसा में देवगढ़ केन्जोरा और मयूरभंज में तीन डिस्ट्रिक्ट हैं ये उड़ीसा की जहां से आपको 98 परसेंट क्रोमाइट के बराबर डिपॉजिट के गोल्ड माइंस यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं दूसरी बात करें तो साथ ही विच स्टैंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम ये एक इनिशिएटिव है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने विद द एसोसिएशन ऑफ आईआईटी कानपुर यहाँ पर लॉन्च किया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको सेल्फ पेस्ड इंटरक्टिव लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो प्रिपेयर हो सकें फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड दी अदर एग्जामिनेशन नेक्स्ट द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ सेवेंटी एच टी टी फोर्टी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट विच कॉस्ट 6828 करोड़ फॉर द इंडियन एयर फोर्स नाउ आई एम गिविंग यू अ टास्क हेयर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज दिस 70 एच 40 बेसिक ट्रेनीज एयरक्राफ्ट नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोय स्टैचूज ये मैसिव मेगा स्टोन कार्व्ड ह्यूमन शेप स्टैचू हैं जो कि मिले हैं ईस्टर आइलैंड से अगर हम बात करें तो दे आर वेरी फेमस फॉर देयर काव्ड हेड्स एंड पुकाओ A head like covering made for a soft red stone. Next and the last in cool today's the Indian Air Force is practicing in exercise Shinyu maitri with the Japan Air Self-Defense Forces. So, Ajkili Basitmahi, thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.